आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बातें करेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर एक दो साल में ये रिपीट हो जाता है, तो आई होप कि मैं इस क्वेश्चन को सजेस्ट करूंगा कि आप इसे करके जाएंगे। इससे पहले मैंने पाइथागोरस का प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम सिद्ध कर दिया है, आप वहां जाकर के इसे देख भी सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे। तो आइए इन चीजों को हम पढ़ते हैं क्या कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो पहले अपन को दो समरूप त्रिभुज लेना पड़ेगा, हमने ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज ले लिया। हमने क्या किया, ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज ले लिया का अनुपात। अच्छा, ले लिया तो इस बात को यहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, इन चीज को लिख दिया। अगर समरूप है तब, अगर समरूप दो समरूप त्रिभुज है तब जो एंगल ए का होगा वही एंगल डी का होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज का एंगल जो होते हैं वो ए जो है डी के बराबर होते हैं, ए डी के बराबर। एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर, और एंगल जो सी है वो एंगल एफ के बराबर। तथा इनके संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक भी होता है। तो जो ए बी होगा, जो ए बी होगा, जो ए बी होगा वही डी ई होगा। दूसरी बात, जो बी सी होगा, जो बी सी होगा वही ई एफ होगा। जो ए सी होगा वही डी एफ होगा। इतना है। तब हमें अब पढ़िएगा आगे, क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात तब हमें संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल किसके किसके, तो ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू इसके संगत क्या है कि संगत भुजा के वर्ग, तो संगत भुजा तो ए है, तो ए बी के वर्ग बट्टे में बी सी का वर्ग। अब क्या है, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी ई है का वर्ग, बी सी बटे ई एफ का वर्ग, उसके बाद ए सी बटे डी एफ का वर्ग होता है। यही हमको प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। यहां से परपेंडिकुलर लंब डालते हैं जिसका नाम हम लोग रख दिया M, और यहां से परपेंडिकुलर लंब डालते हैं जिसका नाम हमने रख दिया N। अब क्या करते हैं, इस रचना को लिख देते हैं। तो लिखेंगे रचना, क्या लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखेंगे, तो ए से ए एम और डी से डी एन, ए से ए एम लंब बी सी पर तथा डी से डी एन लंब ई एफ पर डाला। अब प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा, चलिए प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर हम निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ और दोनों का अनुपात, तो मित्र यहां से एक बात सुनिए, ए आधार एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये एक बट्टा दू गुने आधार गुने शीर्षलंब, तो एक बट्टा दू, आधार क्या है तो बी सी, गुने शीर्षलंब क्या है तो ए एम, एनी प्रॉब्लम नहीं, एक बट्टा दू, आधार क्या है डी ई एफ का, तो डी ई एफ का आधार है ई एफ, अगुने शीर्षलंब क्या है तो डी एन, एकरा से एकरा काट दीजिए तो आ गया बी सी बट्टा ई एफ गुने ए एम बट्टा डी एन। किसी तरह का कोई दिक्कत, ई एफ है, इसको समीकरण एक हम मान लेते हैं। अब आइएगा हम क्या करते हैं कि त्रिभुज, यहां तक आई थिंक आपको दिख रहा होगा,
दिख रहा है। चलिए तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से लिखने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसके बाद आपको शायद नहीं दिखेगा। तो यहां से हम लिखते हैं, अब देखिएगा हम यहां से आपको बता दें कि त्रिभुज जब हम चलेंगे, ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तो ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में एंगल जो आपका ये 90 डिग्री है वही एंगल ई 90 डिग्री। कुछ यहां तक हमने किया नहीं, दोनों त्रिभुज का अनुपात लिया, ये आपको ला दिया। अब फॉर्मेट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, त्रिभुज में ये एंगल एम जो है ए एम बी एंगल ए डी एन ई, ये कितना है 90 डिग्री। अच्छा पीछे हमने बताया जो बी है वही ई है, एंगल बी बराबर एंगल ई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समकोणिक हो गया। क्या हो गया, समकोणिक होगा। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर था और इसका आधा किए, इसका आधा किए, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन समकोणिक है। अच्छा आप चाहें तो लिख दीजिएगा समकोणिक है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन, और समरूप है तो संगत भुजा क्या होगी, अनुपातिक हो जाएगी। इसीलिए ए बी बट्टा डी ई और बराबर ए एम बट्टा डी एन, ये हमने लाने में कामयाब हो गया। ए बी बट्टा डी ई बराबर ए एम बट्टा डी एन, ये आपका हमने फॉर्मेट ला दिया। अब यहां से जरा सुनिएगा, हम क्या करते हैं कि आपने ये चीज तो जान गया कि ए बी बट्टा डी ई बराबर ए एम बट्टा डी एन है, लेकिन पीछे जब आप देखेंगे तो हमने ये भी लिखा था ए बी बट्टा, ये लिखा था कि ए बी बट्टा, लिखिए देते चूंकि ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ये लिखा था तो कहेंगे बिल्कुल लिखा था। अब यहां पर बी सी बट्टा ई एफ है, यहां पर भी बी सी बट्टा ई एफ है। अच्छा ए बी बट्टा डी ई बराबर ये है, ये है ना, तो ए बी बट्टा डी ई के बराबर हम बी सी बट्टा ई एफ लिख दें तो कहेंगे बिल्कुल। तो इसीलिए कि ए एम बट्टा डी एन इज इक्वल टू बी सी बट्टा ई एफ, और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। तो समीकरण एक आ दो में देखिएगा तो ए एम बट्टा डी एन, ए एम बट्टा डी एन, आ ए एम बट्टा डी एन बट्टा ई जो है इसके जगह पर बी सी बट्टा ई एफ डालेंगे तो गुना करेंगे बी सी का बी सी से, आ ई एफ का ई एफ से, तो वर्ग नहीं बन जाएगा। तो कहेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, एक एंड दो से क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इट विल बिकम बी सी बट्टा ई एफ गुने, अब बी सी बट्टा ई एफ लिख दिए, आ ए एम बट्टा डी एन है तो ए एम बट्टा डी एन, अच्छा ए एम बट्टा डी एन के जगह पर हम बी सी बट्टा ई एफ लिखते हैं, बी सी और बट्टा में क्या लिखते हैं ई एफ। तो यहां से आपका आ जाएगा कि बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई बी सी स्क्वायर, ई एफ को ई एफ से मल्टीप्लाई ई एफ स्क्वायर, और इसी तरह से आ जाएगा क्या, जब ये ए पर स्क्वायर पड़ा तो ये तीनों पर पड़ जाएगा, तो यानी ए बी का स्क्वायर बट्टे में डी ई का स्क्वायर, और या एक स्टेप आगे आप लिख सकते हैं इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर बी सी ए बी का स्क्वायर बट्टे में डी ई का स्क्वायर, इच ए सी का स्क्वायर बट्टे में डी एफ का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर बट्टे में ई एफ का स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप इसे पूरा नीचे तक नोट कर ले, मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा नीचे तक, आप इसे नोट कर ले। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में।